हेलो एवरीवन, वेल ये लॉकडाउन का समय हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, शायद मैं भी आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूँ। आई एम रियली एंजॉयिंग दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग इनसाइड देयर किचन ट्राइंग दीज न्यू रेसिपीज। वेल आइडिया यही है कि आप ये इंटरेस्टिंग डिशेस बनाएं, कुछ फेंके नहीं और डेफिनेटली रोके तो बिल्कुल। वेल आज भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनने वाली है, चटपटी तीखी मजेदार राजस्थानी रेसिपी। और वो रेसिपी तब बनाई जाती है जब घर में सब्जियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं मतलब गर्मी की वजह से सब्जियां कम मिलती हैं। हम आज बनाएंगे पापड़ की सब्जी, राजस्थानी पापड़ की सब्जी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, लेकिन वो ट्विस्ट अभी नहीं, बाद में बताऊं। पापड़ की सब्जी के लिए पापड़ को हमें भूनना है, लेकिन सीधी गैस की आंच पे नहीं, हम इसको पैन में भूनेंगे, इनफैक्ट सेक लेंगे। सेकने से होगा क्या कि पापड़ अच्छी तरह से करारा हो जाएगा और जलेगा नहीं। हम चाहते हैं कि पापड़ बिल्कुल भी ना जला हुआ और भुना हुआ टेस्ट ना आए उससे। ये देखिए पापड़ अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़िया से भुन गया है, अब इसे साइड में रख देंगे। चलिए पापड़ की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। और पापड़ के सब्जी बन रुक जाइए, ट्विस्ट तो सुन लीजिए, क्या ट्विस्ट है? क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट है अंगूर। वेल अंगूर मतलब अंगूर में क्या ट्विस्ट हुआ? अंगूर जो सूख गए थे उसकी मैंने घर पे किशमिश बना दी है। तो मतलब होममेड किशमिश? जी हाँ बिल्कुल। अरे वाह क्या बात है, मतलब घर में अंगूर कई बार ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे अंगूर साइड में ब्राउन हो जाते हैं, कई बार ऐसे बिल्कुल सूख से जाते हैं, उनको फेंकिए मत, रुकिए मत, इनकी बात सुनिए, धूप में सुखा लीजिए और बढ़िया किशमिश बन गई। वाह वाह, चलिए पापड़ किशमिश की सब्जी बनाते हैं। सबसे पहले तेल, ये राजस्थान में तो बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं। राजस्थानी खाना काफी स्पाइसी होता है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, अब गर्मियां आ रही हैं। अच्छा एक ट्विस्ट आपने डाला, एक ट्विस्ट हम भी डाल रहे हैं। अब आप किशमिश डाल रही हैं तो जो डिश है थोड़ी सी रिच हो जाएगी, इसलिए हमने सोचा थोड़े काजू डाल दिए जाए। वैसे काजू बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं डालने हैं तो मत डाल। ग्रेवी में जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? ये ग्रेवी में जाएंगे। तो मैं इन ग्रेप्स की बात कर रही हूँ, देखिए ये खाने लायक तो है नहीं, पर आप इनको फेंके भी मत, क्योंकि इनको अगर आप धूप में सुखा लेंगे तो ये ऐसी किशमिश बन जाएगी। तो हम इनको पहले सूखे मसाले से स्टार्ट करेंगे। यस, सो ऑयल में हम थोड़ा सा पहले जीरा क्रैकल करेंगे। जीरा बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राजस्थानी कुकिंग। इनफैक्ट अमृता जो मेरे ट्रैवल्स रहे राजस्थान में, दैट हैज टॉट मी दैट यू नो कम से ज्यादा कैसे बना सकते हैं। जीरे के बाद थोड़ा सा हींग डालेंगे और हींग डालते ही इसमें डाला जाएगा चॉप किया हुआ जिंजर और ग्रीन चिली। राजस्थानी खाना जो है बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनता है लेकिन बहुत फ्लेवरफुल बनता है। और ये जो तड़का है जीरा हींग चॉप जिंजर चॉप ग्रीन चिली, ये तो यूपी में भी बहुत यूज होता है। ये हो गया ब्राउन, अब इसमें थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, हरी लाल दोनों, हाँ चटपटी बनेगी, और धनिया का पाउडर। नमक थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि पापड़ में नमक, यस एब्सोल्युटली। और जैसे ही ये मसाले भुने उसके बाद दही डालेंगे और दही को अच्छे से पकाएंगे। हाँ अच्छे से भुन गया है अभी तो। यस, अब इसमें बाकी सारी चीजें डाली जाएंगी। ओके दिस इज डन, अब इसमें किशमिश डाल दूं मैं? किशमिश डाल दीजिए, थोड़ा पानी डालेंगे, वो काजू डाल देंगे। सो ये थिक ग्रेवी होती है कि थोड़ी पतली? मीडियम, दही है अंदर, इस काजू किशमिश और बाद में जो पापड़ है ना वो सोक होना चाहिए, क्योंकि पापड़ हमने क्रिस्प कर लिया है, सो इट हैज टू बी सोकिंग इनसाइड द ग्रेवी। सो ग्रेवी को थोड़ा सा पानी में और डालूंगा, क्योंकि जैसे जैसे पकेगी वैसे वैसे ये और थिकन हो जाएगी। पापड़ सारे तोड़ के इसमें डाल देते हैं। यस जस्ट ब्रेक इट इनटू बिग पीसेस। तो
कभी सब्जी खत्म हो जाए तो हमें परेशान नहीं होना, पापड़ तो रहते ही हैं, पापड़ तो रहते ही हैं, उसी की सब्जी बना लेंगे। और लॉकडाउन में खासकर सब्जियां मिल नहीं रही हैं, है ना। अब इसको थोड़ा सा चॉप धनिया से, गार्निश नहीं पकाएंगे, दैट्स अ मेन फ्लेवर। फाइनली सम चॉप कोरिएंडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला। नाउ क्विक स्टर एंड वी आर डन। ये काफी रिच रेसिपी है और इसमें काजू और किशमिश डालने से ये और बढ़िया हो गई है। इसे जनरली घी वाली चपाती के साथ बहुत एंजॉय कर सकते हैं आप, चावल के साथ, पुलाव के साथ, मतलब इट्स अ टेस्टी डिश। वाह जी वाह, मतलब घर पे लॉकडाउन में शादी का खाना। हींग, मिर्च, जीरा, अदरक, पापड़, लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लेवर्स। सब्जियां बिल्कुल मिस नहीं करेंगे ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पराठे बनाए? बिल्कुल, चलिए पराठे बनाते हैं पापड़ की सब्जी के साथ। मस्त एंजॉय करिए, रुकिए मत और फेंकिए मत, बिल्कुल भी नहीं, जाइए।